आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुम्हें शांति मिले में। दोस्तों, आज का विषय है नाम वाले विश्वासी न बने और नरक की आग से बचे। वचन देखेंगे हम यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है से मेरा पिता प्रेम रखेगा। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है। दोस्तों, जो व्यक्ति मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानता वो व्यक्ति मसीह हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ कहा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। आज के युग में अधिकतर विश्वासी भाई बहन धोखे में जी रहे हैं। वो सोचते हैं एक दिन हम सांसारिक मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन को पढ़कर विश्वासी भाई बहन आनंद से भर जाते हैं, परंतु आप ध्यान दीजिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है कि आप उनके वचनों के प्रति आज्ञाकारी बने। दोस्तों, पहली बात प्रभु यीशु कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। दूसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने साफ कहा है, मुझसे प्रेम करने वाला मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरे पिता की इच्छा पर चलने वाले ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यही आप परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते तो आपको सांसारिक मृत्यु के बाद नरक ही जाना होगा। चाहे आप अन्य भाषा बोलते हो, चाहे आपके पास नौ वरदान हो, चाहे आपने पवित्र आत्मा पाया हो, चाहे आप बहुत बड़े पास्टर हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर जानकर उस वचन पर नहीं चलते तो आपको नरक ही जाना होगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं। इसलिए धोखे में रहना छोड़ दीजिए और आज से ही परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहकर उन्हें आदर कीजिए, उन्हें प्रेम कीजिए। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।